राजस्थान में चुनावी साल है और चुनावी साल में ईडी का शिकंजा लगातार बड़े नेताओं पर कसता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ महीने से हम लगातार देख रहे हैं कि पेपर लीक मामले में ईडी लगातार राजस्थान में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, लेकिन आज जो ईडी के हाथ हैं वह पहुंचे हैं प्रदेश के जो पीसीसी चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनके गिरेबान तक, उनके घर तक जो ईडी के हाथ हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। और लगातार सुबह से ही गोविंद सिंह डोटासरा के चाहे सरकारी आवास हो, सिविल लाइन स्थित, वहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो वही उनका जो सीकर स्थित आवास है वहां पर भी ईडी की कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही ईडी की कार्रवाई यहाँ शुरू हुई, कार्यकर्ताओं को पता पड़ा कि गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हुआ और विरोध प्रदर्शन यहाँ पर शुरू होने लगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध जताते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ता, ईडी की कार्रवाई लगातार यहाँ पर हो रही है, क्या कहेंगे आप? ये कोई पहली बार थोड़ी है, जिस राज्य में चुनाव हुए हैं उसमें ये बीजेपी की बी टीम पहले भी पहुंची है। क्या हासिल हुआ इनको? कर्नाटक में क्या कम रेड हुई थी? हिमाचल में क्या कम रेड हुई थी? उत्तराखंड में क्या कम रेड हुई थी? ये तो ये इनका अभी दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है, पंजाब में क्या चल रहा था, राजस्थान है, चुनाव है, होगी मध्य प्रदेश में होगी, इसका कोई इनका कोई तुक नहीं है। अब ट्रांसपेरेंसी वाला मामला नहीं रहा, अब तो केवल और केवल प्रहार किया जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी के ये मजबूत नेता हैं, ये कार्यकर्ता हैं, इनको कैसे भी करके किसी भी तरीके से दबाया जाए, तोड़ा जाए, लोगों के अंदर एक मैसेज दिया जाए, ईडी की रेड हो रही है, ईडी की रेड हो रही है। ईडी की रेड में आखिर मिला क्या है? क्या ये ईडी की रेड? आजकल ईडी की रेड एक आवारा जानवर की तरह हो गई है कि जिसको चाहे जहां जाए जिसके भेज दिया। राजस्थान के अंदर दिनेश कोटिनिया जी पर, राजेंद्र जी पर ईडी की रेड हुई, क्या हुआ उससे? तो ये ईडी की कार्रवाई लगातार यहाँ हो रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर किया जा रहा है ईडी की कार्रवाई को लेकर, दौसा में हो रही है, सीकर में। देखिए, मोदी सरकार डरी हुई है, मोदी सरकार के पास ना तो कोई प्रदेश में चेहरा है ना कोई विकल्प है। अब वो ईडी का माहौल बना के, ईडी से लोगों को डरा के, धमका के, तानाशाही के सरकार जिसे माना जाता है, वो अब यही इन्हीं स्तर को गिरता जा रहा है राजनीति का उनका। और अब ये जो भी मोदी सरकार कर रही है इससे प्रदेश की जनता समझ चुकी है, कोई भी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हैं और ये आश्वासन दिलाते हैं कि सरकार रिपीट हो रही है, राज नहीं रिवाज बदलेगा, इस बार वापस से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन ईडी की कार्रवाई, सर ईडी की कार्रवाई लगातार की जा रही है सीकर में, दौसा में, जयपुर में। सीकर, दौसा, जयपुर की बात नहीं, पूरे देश में भी आप देखेंगे, पहले छत्तीसगढ़ में हुआ, फिर तेलंगाना में हुआ, अभी राजस्थान में हो रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी चुनाव में कमज़ोर होती है, जहाँ भी इनको अपनी हार प्रतीत होती है, वहाँ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को पन्ना प्रमुख के रूप में उतार देती है। आपने देखा जहाँ जहाँ चुनाव है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार की जनकल्याणकारी फैसलों के चलते प्रदेश की जनता खुश है, तथा पुनः राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। इसी से हताश होकर, निराश होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता इस बात को भलीभांति जानती है और भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा के आवास के बाहर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वह एकजुट हैं और यहाँ पर लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर धरने और प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ बड़े जो कार्यकर्ता हैं वह भी मौजूद हैं और लगातार जो कांग्रेस को, बीजेपी है, उसको घेरने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। और जिस हिसाब से ईडी की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है उसको भी यहाँ पर देखा जा रहा है, क्या कुछ रहता है उम्मीदवारों का, हमका तय करने का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, अचानक ईडी कैसे आई? गोविंद सिंह डोटासरा तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते रहे चुनाव के बीच में, ये डरी हुई तो पहले से चल रही थी, तो छापा ही पड़ा ना इस बीच में। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व इतना टूटा फूटा है। आपको क्या लगता है ईडी प्रकरण के बारे में बताएंगे विस्तार से, आप क्या है मामला? ये तो ईडी वाले जाने, जो कुछ मिलेगा आपके सामने आ जाएगा। सच का सच छुपाया नहीं जा सकता, अगर बेईमानी की तो पकड़े जाएंगे तो सजा हो जाएगी, नहीं तो जनता जानती है राजस्थान के किसी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, केवल राजनीतिक प्रतिशोध से कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा, राजस्थान की जनता 7.5 वो अरे सवाल है, डर नहीं रहे ना,
हम यही तो कह रहे हैं, जब डोटासरा तो लगातार केंद्रीय बीजेपी के नेतृत्व को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ किया जा रहा है राजनीतिक दलों को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ है। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का बदनाम। अरे आप तो अशोक गहलोत को भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है? सच छुप नहीं सकता, सच सामने आके देख रहेगा और राजस्थान की जनता इस बात का जवाब आने वाले 25 नवंबर को देगी। देख सकते हैं कि लगातार जो विरोध प्रदर्शन है यहाँ देखने को मिल रहा है, ईडी की कार्रवाई जो हो रही है उसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि ईडी पेपर लीक मामले में लगातार राजस्थान में ताबड़तोड़ कार्रवाई करती आई है और अब उसके हाथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पिछले दिनों ही निर्दलीय जो विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं ओम प्रकाश हुड्डा, वहां तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही सीकर में जो आवास है और जो कलाम कोचिंग है वहां पर भी ईडी की कार्रवाई बताई जा रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ ललित वर्मा।